ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत तो राजा अम्बरीश ने क्या करा कि एक बार एकादशी का व्रत करा और व्रत करने के पश्चात जैसे द्वादशी में व्रत को खोलने लगे उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए। दुर्वासा ऋषि भी जो है भगवान के भक्त थे तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा प्रभु अम्बरीश जी राजा से बोला कि राजा रुको मैं भी स्नान करके आता हूँ फिर हम दोनों मिलकर जो है एकादशी का व्रत खोलेंगे। अब उस दिन भाग्य से किस्मत ये थी कि द्वादशी खत्म होने वाली थी और त्रयोदशी लगने वाली थी। राजा ने सोचा दुर्वासा ऋषि आने में बहुत देर हो गई है यदि वो नहीं आए और त्रयोदशी लग गई तो मेरे एकादशी के व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ तुलसी जल पी देता हूँ जिससे व्रत भी खुल जाए और ऋषि भी गुस्सा ना हो। लेकिन जैसे ही राजा ने तुलसी जल लिया और पीने लगे उसी समय दुर्वासा ऋषि का वहां पर आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि तो कल बताया था गुस्से तो दुर्वासा ऋषि ने उसी समय अपनी जटा से कृत्या को उत्पन्न करा और कृत्या को उत्पन्न करके कहा कि जाओ और राजा अम्बरीश को मार दो। अब अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या आई तो भगवान के भक्त है अम्बरीश जो प्रहलाद को मारने के लिए भी कृत्या आई थी है ना लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाई। अब अम्बरीश को मारने के लिए आई तो अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र को भेजा। जैसे ही सुदर्शन चक्र जो है अम्बरीश जी की रक्षा करने के लिए आए तो सर्वप्रथम तो उन्होंने कृत्या को जो है मार दिया और कृत्या को मारने के पश्चात वो लग गए दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी त्रिलोक में भटक लिए भगवान नारायण के पास भी चले गए और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा जी चौंक के कहते हैं अरे सुदर्शन चक्र तो आपका ही है इसे आपने रोकोगे तो कौन रोकेगा। तो भगवान कहते हैं कि जिस कारण से ये आया है वही इसे रोक सकता है कि कौन कि तुम अम्बरीश के पास जाओ अम्बरीश से जो है क्षमा मांगो। तो आज जो है दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास गए और क्षमा मांगी तो अम्बरीश ने सुदर्शन जी की प्रार्थना करके उन्हें उनके स्थान पर ढूंढा भेजा और दुर्वासा जी की जो है उन्होंने रक्षा करी। तो राजा अम्बरीश सब ये जो रघुकुल है वो एक से एक प्रतापी राजाओं से भरा पड़ा है कोई भी छोटा मोटा राजा तो यहाँ पर वही नहीं है। तो अब जो है दशरथ जी के पुत्र होंगे वो है भगवान श्री रामचंद्र उनके भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये कथा तो कल आएगी और कल जो है पूरा रामचरित्र और परसों भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हम परसों मनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय गंगा मैया की जय। हाँ और क्या बोल क्या करिया पंखा लगो दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को अर्पित करते हुए पूज्य व्यास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। स्थापित विराजमान सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। देखिए मैं जैसे ही प्रवेश किया मैंने तो सबसे पहले गौ माता देखी और वैसे ही आनंद आ गया मेरे के बाद कथा तो यहीं पे सार्थक हो गई। और आज जिनका प्रसंग व्यास जी महाराज सुना रहे थे राजा रघु का
राजा रघु गो माता के आशीर्वाद थे और उनका मतलब होता है कल्याण। यदि जहाँ पे शिव आ गए, जहाँ पे शिवम आ गए तो कल्याण हो गए। आपने देखा होगा वास्तव में, क्योंकि हम प्रारंभ से हमारे हम लोग साथ में रहे, हमने अध्ययन भी साथ में किया है। इनकी जो जीवन शैली रही है, इनका जो आचरण रहा है, मतलब मैं यहाँ पे नहीं कि ये सामने बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, सात दिन से आप लोग भी देख रहे हो, तो एक व्यवस्थित रहा है, एक जो वास्तव में नियम संयम फर्क रहना चाहिए, जो धर्म श्रुतियाँ जो हमारी प्रदान की है। तो क्योंकि आज ये प्रारंभ हुए, क्योंकि कथा की कभी समाप्ति नहीं होती है, आज यहाँ से कथा समाप्त हो जाए, कथा का विश्राम होगा, फिर विश्राम के बाद इनकी कथा और आगे जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि जब आगे जाएंगे तो इनकी प्रथम कथा के लिए मैंने वहाँ पे की थी, तो सर्वप्रथम आपका ही नाम रहेगा। और आज राजा रघु की बात चल रही है, चूंकि भागवत की कथा हो रही है, भागवत को स्वयं गंगा जी है, गंगा जी भी आ गई आज भागवत में। देखिए हम यहाँ पे भागवत जी को सुन रहे हैं, भागवत जी को सुन रहे हैं आप लोग, कि हमारा भगवान से भाव जुड़ा। हमारे जो पितर लोग है, किसी भी लोक में हो, आज किसी भी योनि में हो, वो भगवान की कृपा उन पर उस योनि में बरसे और वो उस योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को चले जाए। हम इसलिए कथा सुन रहे हैं। एक आद्य गुरु शंकराचार्य करके भगवान शंकर का अवतार हुआ था, तो आद्य गुरु शंकराचार्य माँ भगवती के बहुत बड़े भक्त थे, माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो आद्य गुरु शंकराचार्य बहुत कम अवस्था रही होगी बालिका की, इतनी अवस्था रही होगी उनकी 5-7 वर्ष की। तो उस समय क्या करते थे, उनके पिताजी दूध का भोग लगाते थे माता जी को और लाके बाद में शंकराचार्य जी को दे देते थे। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने कह के गए कि बेटा मैं किसी कारण से जा रहा हूँ, तो माता जी को भोग लगाना, दूध माता जी को पिला देना, उसके बाद फिर ग्रहण कर लेना। अब शंकराचार्य जी ने ऐसे ही किया, रात में दूध रखा माता जी के सामने रखा और माता जी से प्रार्थना की कि माता जी दूध ग्रहण करो। अब पिताजी ने कह के गए थे कि बेटा दूध पिला देना, तो उन्होंने सोचा कि माता जी वास्तव में पीती होगी। अब खूब रोने लगे कि माता जी दूध पी नहीं रही है, पी नहीं रही है। अब माता जी को अपने उस भक्त पे दया आ गया और माँ भगवती ने वो सारा का सारा दूध पी लिया। अब जैसे ही दूध पिया तो दूध पूरा का पूरा पी गई माता जी ने, अब बचाया कुछ नहीं। अब इधर तो शंकराचार्य जी के पिताजी रोज भोग लगा के जो दूध भरा का भरा गिलास शंकराचार्य जी को दे देते थे, अब वो रोने लगे वापिस से। अब माता जी बोली कि बेटा मैंने दूध पी तो लिया, क्यों रो रहा है, कि आपने मेरे लिए बचाया नहीं, पिताजी तो रोज गिलास भर भर के लाते थे मेरे लिए। तो माँ भगवती ने उनको अपना स्तनपान कराया उन शंकराचार्य को, और वही शंकराचार्य ने देश में अपने सनातन धर्म का जो प्रचार किया ना, तो वो भगवान शंकराचार्य ने किया। आज हमारा धर्म, यदि वास्तव में हम ये जो सब पूजन पाठ देख रहे हैं, ये क्यों हो रही है, क्योंकि आद्य गुरु शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा की थी। हम लोग शंकराचार्य को जानते नहीं है वास्तव में, दूसरे कई सारे बाबा आ जाते हैं उनको जानने लग जाते हैं, पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि सनातन का कण कण शंकराचार्य जी का ऋणी है। हमने राजा रघु का कह रहा था कि राजा रघु गो माता के बहुत बड़े भक्त थे, जैसे आचार्य जी बता रहे थे कि राजा रघु इतने बड़े राजा थे कि उन्होंने पूरी पृथ्वी पे दिग्विजय की थी। ऐसा इस धरती पे कोई सा कोना नहीं रहा जहाँ पे रघु का पैर नहीं पड़ा, उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीता था, दिग्विजय की थी। और कहते हैं कि दिग्विजय करते समय उनकी आंखों में कुछ पीड़ा हो गई थी, उनकी उस आंखों की पीड़ा को मिटाने के लिए गाय का गोमूत्र लेके उन्होंने अपनी आंखें धोई थी, उसके माध्यम से उनकी आंखें साफ हो गई थी। तो गो माता का इतना बड़ा प्रताप है, मतलब रघु का जो कहते हैं कि राजा दिलीप को जो रघु है वो गो माता की सेवा करने से रघु पैदा हुए थे, और रघु के जीवन में प्रारंभ से अंत तक गो माता रही है, गो माता के बहुत बड़े भक्त रहे। जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि गो माता की रक्षा के लिए उन्होंने संध्या का जल सामने छोड़ दिया था। Narayana, 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 Naray
आखिरी बात और कह रहा हूँ कि जैसे कि ये बता रहे थे मेरी अभी पहली कथा थी, और फिर भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छी भी रही, सब लोगों ने अच्छा भी कहा, तो उसमें क्या ये ऐसे तपस्वी ब्राह्मण आ गए थे इनके पदार्पण हो गया था इसलिए वो कथा अच्छी हो गई, कथा स्वयं कल्याण हो गया था क्योंकि कल्याण के स्वरूप है, और ऐसे जब धर्माचार्य जहाँ पे बैठ जाते हैं तो वो भूमि भी पवित्र हो जाती है, और जो आसपास के लोग जो रहते हैं उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं, और जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो कथा तो अच्छी हो ही जाएगी। तो पुनः इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधा कृष्ण भगवान की जय। अज्ञानी बालक जो थोड़ा बहुत आता है इसके माध्यम से कर लेते हैं, और इनकी कथा भी जो है बहुत माँ की प्रसिद्ध कथा रही अभी के समय। इनकी कथा जो है जन्माष्टमी को ही कृष्ण जन्म होगा, और अपने आप ही एक प्रकार से अष्टमी को ही जो है कृष्ण जन्म होगा, तो कथा सब साथ में चल रही है एक प्रकार से, है ना। वही अपने आगे मतलब अब भगवान का इनकी भी जो है कथा अच्छी चलती रहे। गरुड़ पे चढ़ के आ जाना मेरे दीना बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़ कर आना मेरे दीना वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पा
भागवत भगवान की आरती माते धारती कर्पूर गौरम करावतारम संसार सारम जगेंद्रहारम आत्माभिवंदनम् आशुतोषदण्डं निरान्तरि ग्रहणं चरणारविन्देषु महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुर्देवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दासरथाय विद्महे श्री सीतानाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वाणी स्वरूपाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुवर्णाय शक्तिगाय वाहनाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय महाभवदेशे बालमुकुन्दाय नमः भगवद्भ्याम राम